हमारे यहाँ वैसे तो थ्रू आउट पंजाब जिहड़ा पैड़ी की प्रोक्योरमेंट का सीजन है बहुत स्मूथली चल रहा और पंजाब की हिस्ट्री के अंदर पंजाब के इतिहास पहली बार एरक झोने के सीजन से कुछ नवेकलियां गल् वापरी सो खुशी इस गल की है भी हुण तक पंजाब दियां मंडियां च लगभग 91 लाख मीटर जिहड़ा टन वो झोना आ चुक है तो लगभग 99 लाख मीटर टन जो खरीद वो हो चुकी है मंडिया चो सो 15 हज़ार करोड़ के करीब जो किसानों पेमेंट जारी कर चुकिया मतलब झोने की सो इस करके बहुत ही शानदार जोड़ा वो काम मंडिया के अंदर चल रहा मान साहब की अगुवाई पंजाब के अंदर लगातार हर रोज़ साढ़े अधिकारी साहबान साढ़े MLA साहबान साड़ी सारिया जो टीम ने खास करके जिहड़ियां इहदे प्रोक्योरमेंट नाल जुड़ियां ने वो लगातार अपनी पैनी निगाह रख रहे आ सो साडा यतन है कि पंजाब दीआं मंडियां च किसान नूं कोई दिक्कत ना आवे उस तरह दो लोड़ां हुंदियां ने किसान दीआं मंडी नाल जिहड़ियां जुड़मियां ने एक तां किसान चाहुंदा वी उहदी फसल चक्की जावे टाइम सिर तां दूसरा उहदी पेमेंट जिहड़ी अदायगी उह टाइम सिर होवे सो इस वार दोवें गल्लां जिहड़ियां ने बड़िया स्मूथली चल रही तो पंजाब के इतिहास मैं पहलों दसिया कि नवेकलियां गल्लां वापरियां ने 12 बजे किसान की फसल जिहड़ी चक्की जा रही है मंडी चों ते 4 बजे उहदे खाते च पैसे पै रहे जिहड़ी महज 4 घंटिआं दे विच सो आम तौर पर पहलों चर्चा पंजाब च हुंदी सी कि भी किसान की दिवाली जिहड़ी मंडी की ढेरी दे उत्ते गुजरूगी तो कई कई बार वो मुजाहरे भी करने पैंदे सन भी झोना चक्किया जावे सो लगातार पंजाब के अंदर चंगीआं खबरां सो मेरा ख्याल है भी मैं आप भी खुद पंजाब का लगभग सारे ज़िले मैं कवर कर रहा अज भी मैं 4 ज़िलों जाना सो हुण तक मैं 17 ज़िले कवर कर चुके हैं सो मेरा भी यतन हैगा भी मतलब पंजाब के अंदर किसान की जिहड़ियां मंडियां च कोई खज्जल खुआरी ना हो नहीं लाजमी तौर पर असी तो बड़ा साडा क्लीयर स्टैंड हैगा पंजाब के हर वर्ग की जिहड़ी समस्या हैगी है जिहड़ी तां स्टेट गौरमेंट नाल जुड़ी हुई है वो तो स्टेट गौरमेंट मान साहब की अगुवाई के लगातार तो जिहड़ी सेंटर नाल कुछ जिहड़े सवाल हैगे आ वो जो भी मान साहब उठा रहे हैं बड़े जायज़ सवाल ने सो सानू उम्मीद है कि सेंटर और स्टेट मिल के असी पंजाब के लोगों के दुख दलिद्र जो दूर कर मंत्री साहब आबू धाबी से बहुत पंजाबी फस गए हैं राघव चड्ढा जी वालों एक पत्र जी हाँ हाँ बिल्कुल साढ़े लिए चिंता वाली गल है साढ़े अपने भैन भरा ने सो लगातार सरकार भी और राघव जी वालों भी वो जतन किए जा रहे हैं सो ये साड़ी ड्यूटी भी है पंजाब के लोगों ने जी लाई है सो करा चिड़ियाघर चिड़ियाघर एक चंदन के बूटे है 5-7 जो गैप करते खुद बुर्द कर दी गई पिछले 20 दिनों तक मामला दबाया मेरी जानकारी च नहीं इसकी पड़ताल करा लेने कोई गल नहीं जिस तरह सीएम साहब ने सब ਤੁਹਾਡਾ दौरा ਹੈ ਗਿਆ ਇਹ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ ਦੌਰਾ ਹੈ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਦੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵੀ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੀਰੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲੇ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਈ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਠੀ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਵਾਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ
पंजाब के अंदर बड़े हिस्टोरिकल लान मुख्यमंत्री जी ने किए हैं पंजाब के लोगों के भले लिए। सो 300 करोड़ रुपया पिछलियां सरकारां दा वल्लों जिहड़ा आ उह किसानां दा बकाया ही उह मान साहब ने जारी किया 20 रुपये गन्ने का रेट वधाया पंजाब के अंदर। सो लगातार जिहड़े होर भी सवाल ने उन्होंने उत्ते हमदर्दी नाल विचार किया जाऊगा कोई कोई गल नहीं। केजरीवाल साहब जी पत्र लिखा गया प्रधानमंत्री ने सिक्ख्या उत्ते गणेश ते लक्ष्मी दी फोटो लाउणी चाहीदी है किस तरह देखते हो? देखो मैं समझदा उन्होंने अपनी मन की गल की आ जे केंद्र नूं चंगा लगता तो मननी चाहीदी है। देखो जंगलात विभाग के अंदर पंजाब के अंदर हुण तक लगभग 400 एकड़ जमीन असी जिहड़ी उह नजायज कब्जकारां कोल छडाई है 400 एकड़ जमीन। सो लगातार लगे हाँ थोड़ा हौसला दिओ साडी पिट थापड़ो ताजे ते 5-7 महीने होए आ 5-7 महीनों के अंदर पंजाब दे विच वेखो ओल्ड एज पेंशन का जिहड़ा वो मतलब बहुत बड़ा मुद्दा सीगा तो सरकार ने इतिहासक दे सिद्धांतक फैसला किया पंजाब दे लखां मुलाजमां नूं राहत मिली है जिहड़ा एक MLA एक पेंशन का जिहड़ा सीगा वह सरकार ने अपना वादा लागू किया 600 यूनिट बिजली का बिना किसी जाति बंधन तो वो पंजाब दे समुचे लोगों जिहड़ा आ इस वेले आ रहा। सो आलमोस्ट 47 लाख लोगों का बिजली बिल पंजाब जीरो आ रहा। सो इन 7 महीनों के अंदर बड़े मैं जिदा कहा भी इतिहासिक तो सिद्धांतक फैसले सरकार ने किए आ। सो अजे काफ़ी टाइम पे होर बहुत कुछ पंजाब के लोगों लिए करना मान साहब लगातार काम कर रहे उन्होंने सारी टीम। सो अज बठिंडे च आया तुहाडा भी धन्यवाद तुसीं बड़ा स्नेह ते प्यार दिता। सो इस तों बाद मैं अगले जिले नूं जाणा सो बठिंडे च आ के बड़ा चंगा लग्गिया। सो किसी तरह की भी पंजाब दी मंडी दे विच किसान नूं दिक्कत ना आवे ये साडी जतन रहणगे। सो मैं आस उम्मीद करदा इह सीजन इस बार चंगा रहेगा। नहीं देखो पंजाब दे अंदर जिहड़ा साडा वादा सीगा करप्शन दे सवाल उत्ते ना मतलब जिहड़ा आ उह जीरो टॉलरेंस दा असीं उहदे उत्ते काम कर रहे हैं। सो किसे भी किसे नहीं कोई गल नहीं हर एक गल नूं समां लगदा असीं कल्ले कल्ले सवाल दे उत्ते काम कर रहे हैं बिना किसी वेंडेटा अपरोच तो जिन्हां लोगों ने भी पंजाब के खजाने नूं लुट्टिया आ पंजाब की तबाही की आ पंजाब की इकोनमी का घाण किया आ वह पंजाब के लोगों से नंगे करा कि लोगों को पता लगना चाहिए कि साढ़े पैसे की लुट जिहड़ी कहिंदा लोगों ने की तो हर एक गल के उत्ते लगातार वर्क किया जा रहा है।